तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। ओमोस को अभी WWE में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, पर कम समय में जायंट ओमोस ने बहुत बड़ा नाम बना लिया है। ओमोस ने AJ स्टाइल के साथ टैग टीम में बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ था। दोनों ने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम किया हुआ था और चैंपियनशिप रन भी दोनों का काफी बढ़िया था। सर्वाइवर सीरीज 2021 में द रॉक की 25वीं सालगिरह के मौके पर 25 मैन बैटल रॉयल मैच देखने को मिला था। 27 साल के ओमोस ने यहां पर मैच जीतकर सभी को चौंका दिया। यहां पर 10 से ज्यादा सुपरस्टार को ओमोस ने एलिमिनेट किया हुआ था। यहां पर ओमोस ने अपने पार्टनर AJ स्टाइल को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी एलिमिनेट करके ओमोस ने उनके साथ पंगा कर दिया। पर क्या हो दोस्तों, अगर ओमोस और आंद्रे द जायंट का मुकाबला हो जाता। आज के इस खास अंक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या होता अगर आंद्रे द जायंट और ओमोस रिंग में आमने सामने आ जाते। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं आंद्रे द जायंट और ओमोस के बारे में। अब दोस्तों, अगर आज आंद्रे द जायंट जीवित होते तो निश्चित ही वह बुजुर्ग होते और फिर भी वह काफी बलशाली होते। कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम जवान आंद्रे की बात करेंगे और इस समय के ओमोस की बात करेंगे। WWE इतिहास के 5 सबसे लंबे रेसलर पर हमने एक विशेष वीडियो आपके लिए पहले ही बनाया था, जहाँ पर दोस्तों ओमोस तीसरे नंबर पे आते हैं और ओमोस से पहले आंद्रे द जायंट हैं, यानी आंद्रे द जायंट दूसरे नंबर पे आते हैं। ओमोस की हाइट 7'3" है तो दोस्तों आंद्रे द जायंट 7'4" लंबे थे। आंद्रे द जायंट 520 पाउंड वजनी थे दोस्तों, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शराबी भी कहा जाता है। अब आंद्रे द जायंट 156 से भी ज्यादा बियर की बोतलें एक बार में पी गए थे, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ओमोस इतनी ज्यादा शराब पी सकते हैं। आंद्रे द जायंट भले ही आज जीवित ना हो, पर दोस्तों उन्हें दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। ऐसा कुछ ओमोस के लिए तो नहीं कहा जाता है। वहीं रिक फ्लेयर ने एक बार बताया था दोस्तों कि आंद्रे द जायंट एक बार में 106 बियर की बोतलें पी गए थे। ऐसा रिकॉर्ड तो ओमोस कभी तोड़ भी नहीं सकते। पर फिर भी दोस्तों, अगर किसी तरीके से ओमोस को आंद्रे द जायंट के समय में भेज दिया जाए और उनका WWF में मुकाबला अगर करवा दिया जाए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आंद्रे द जायंट का पलड़ा भारी रहता। आंद्रे द जायंट आज भी जिस लेवल पे हैं दोस्तों, वहां पर ओमोस को पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ओमोस भी काफी अनुभवी टैलेंटेड रेसलर हैं दोस्तों। वह वर्तमान में WWE के सबसे जो मौजूदा रेसलर हैं उनमें सबसे लंबे हैं, पर कुछ नई पीढ़ी के लोग ओमोस को आंद्रे द जायंट से भी शक्तिशाली बताते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ओमोस की आंद्रे द जायंट से तुलना करना ही एक हिसाब से बहुत ही गलत चीज है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंद्रे द जायंट अपने जमाने के बहुत ही बड़े दिग्गज थे। आंद्रे ओमोस से ज्यादा शक्तिशाली थे और उनसे लंबे भी थे मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आंद्रे द जायंट और ओमोस के बीच असली में युद्ध हो जाता तो कौन जीतता? आप सभी सज्जन अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिए। जायंट रेसलर हमेशा से ही विंस मैकमैन की पसंद के रहे हैं और विंस मैकमैन ऐसों को काफी पुश भी देते हैं। हम यही चाहते हैं कि ओमोस का भविष्य बहुत ही अच्छा रहे और उन्हें कुछ बड़े टाइटल मैच भी दिए जाएं। काफी मेहनत करने के बाद यह वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।